अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, हिट दैट बेल आइकन टू बी नोटिफाइड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल इनटू बैम लाइफ। सो ये वीडियो में हम तीन स्टे ऑप्शंस आपको बताने वाले हैं जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। सो ये है नागांव मार्केट, नज़दीकी है होटल वेस्ट कोस्ट के, हार्डली 5 मिनट लगे हमें। सो अगर आपको वहाँ पे कुछ मिला नहीं, यू कैन कम ओवर हियर। मार्केट बहुत अच्छा खासा भरा हुआ लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी है गाइस, चिपक चिपक के खड़े सब लोग, कोविड अभी तक गया नहीं है। हम यहाँ पे अभी जब जहाँ पे जा रहे हैं उसका नाम है होटल निसर्ग बंगलो, बंगलो टाइप है। बिकॉज वहाँ पे हमारा जो ताम झाम जो बैग सब वो रख के उसके बाद हमें एक्सप्लोर करना है आसपास की चीज़ें। सो दैट्स द रीज़न हमने वो बुक किया है। सो आधा रास्ता तो क्रॉस हो गया है, अब हम पहुँचे हैं रेवदंडा बीच या फोर्ट के साइड, क्योंकि वो बीच में पड़ता है। चेक इन का टाइम 12 बजे का था शायद, और हमें लगा था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। सो अभी शायद हमें 12:30 बज गए हैं, लेट्स सी, ऑलमोस्ट पहुँच गए, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। व्यूज देखो गाइस, व्यूज ये है शायद कासीवट बीच, इधर भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। ये जगह भी हमारे लिए नहीं है, तो थोड़ा सा लाइक लोनावला एंड ऑल वहाँ पे जाता हो उसे रास्ते पता होते हैं, ये थोड़ा सा नया है। गूगल मैप के भरोसे चल दिए, ऐसा सिचुएशन है। सो कॉल करना पड़ेगा, कॉल करो। मेरे को ये लग रहा है, अब तो फोन भी नहीं लग रहा। तो एट लास्ट वो मिल गया है, तो हम जा रहे हैं अभी। ग्रीन टी शर्ट में है शायद, वही ग्रीन टी शर्ट वाले ना। अरे आम्ही तिकडे पुढे गेलो, हा समजलंच नाही काय, कुठे अरे। सो ये है एसी, टीवी, वाईफाई, ये तीनों आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल टुगेदर मस्त एकदम, बहुत बड़ा रूम है, 4 लोग से ज्यादा आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। विंडो व्यू भी है जो पूरा गांव वाला फीलिंग आएगा आपको। फिर ड्रेसिंग टेबल एंड उसके बाद ये है बालकनी। यहाँ पे नॉनवेज अलग से बनता है और चूल्हे पे बनता है। सीरियसली चूल्हे पे बना हुआ खाना यार, फिर देख के ही मुंह में पानी आ गया। एंड ये किचन में सिर्फ वेजिटेरियन एंड स्पेशली जैन फूड बनता है। हे गाइस, सो अभी निकल रहे हम एक्सप्लोर करने के लिए। जो टाइम सब हमने सेट किया था वो तो नहीं हो पा रहा है, बट वी विल ट्राई कि जितने ज़्यादा प्लेसेस हम एक्सप्लोर कर पाए वी विल डू इट। ओके, सो कैमरा वुमन के साथ जो कैमरा लेके खड़ी, हेलमेट, हाँ हेलमेट के साथ इसको माउंट किया है तो वो लेके ऐसी खड़ी है। तो अब निकलते हैं, चलिए। बाथरूम
निसर्ग बंगलों के बाजू में ही ये हिल टॉप बंगलों का के हैं, तो आप यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं। बजटेबल है, यहाँ से ये खिड़की मुझे भी बताया। ये स्पेशली कपल्स के लिए है, अगर कपल्स आ रहे हैं तो। वन बेडरूम, वन बेड, सोफा, टीवी, मिरर है, और यहाँ पे भी लग्जरियस टाइप बाथरूम है, एसी है। अगेन यहाँ पे पार्किंग के साइड में ही है, यहाँ से व्यू आ सकता है गार्डन का। तो ये आ गया तो रोकना किधर है? मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये इंसान रोड के काफी नजदीकी है, तिहुन में है, ये तिहुन बीच के साइड है। सो ये उनका बंगला है। सो ये था इनका छोटा सा स्विमिंग पूल। यहाँ पे टीवी, एसी, वार्डरोब, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा कम बेड एंड वेल इक्विप्ड वॉशरूम भी है। सो पहली बात तो फूड, इफ टॉकिंग अबाउट द फूड, बहुत ही अच्छा था, टेस्टी, स्पाइसी, घर के, सीरियसली घर की याद आई, बट अच्छा लगा बहुत। जो स्टाफ भी है वेरी हेल्पफुल, जो यहाँ के ओनर है लाइक उनसे हमने बात की, बहुत फ्रैंक थे वो, अच्छा नेचर है उनका, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं, सीरियसली हम सोचेंगे कि अगर अलीबाग कल को आए तो माइट भी यहाँ पे फिर से विजिट करें। सेकेंडली जो यहाँ का फूड था वो हमने वेज खाया, बिकॉज लाइक हमारा वेज डे था। सो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेक श्योर करेंगे कि नॉन वेज खाएं, क्योंकि नॉन वेज ऑब्वियसली, वेज इतना अच्छा है तो नॉन वेज कितना अच्छा हो। उसके बाद अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके फीडबैक्स हमें दीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फीडबैक।